नमस्कार, मैं भावना सिंह और आप देख रहे हैं HBN न्यूज। खानपुर थाना के अंतर्गत भोले जहरा में आपस में दो गुटों में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घायलों को खानपुर PSC ने समस्तीपुर सदर अस्पताल रेफर किया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि एक युवक का कहना है कि हम लोग खेत में गए थे खेत देखने के लिए, वहां घात लगाए दूसरे पक्ष के लोगों ने। लोहे की रॉड और कुल्हाड़ी से खेतों पर घूमने गए युवक पर हमला कर दिया, जिसमें युवक का सर कट गया और पैर फ्रैक्चर हो गया। जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में मारपीट हो गई, जिससे स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। दो पक्षों में हुए आपसी विवाद में कई लोग जख्मी भी हो गए। आपको बता दें, खानपुर थाना अंतर्गत भोले जयराम में आपस में दो गुटों में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घायलों को खानपुर PCSC ने समस्तीपुर सदर अस्पताल रेफर किया है। वहीं आपको एक बात और बता दें कि एक युवक का कहना है कि वह अपने खेतों में खेत देखने के लिए गया था, लेकिन वहां पर घात लगाए दूसरे पक्ष के लोग लोहे की रॉड और कुल्हाड़ी से खेतों पर घूमने गए युवक पर हमला कर दिया, जिसमें युवक का सर कट गया और पैर फ्रैक्चर हो गया। HBN न्यूज की खास रिपोर्ट। ये घटना घटी है, किस वजह से घटना घटी? और ये खेत के कारण झगड़ा हो जाता है। अच्छा, के कारण मारने के कारण झगड़ा। अच्छा, और क्या बोलते हैं, रद लेकर आया था। अच्छा, कौन मारा आपको? गोमीन था, दीपक था, और क्या बोलते हैं, उदयचंद था, और संजीत था, बता था, एक आदमी और था, राजीव। सात आदमी मिलके मारा है। कहाँ, आपका घर कहाँ हुआ? भोले जयराम। क्या नाम हुआ आपका? ललन कुमार झा। ललन कुमार झा। और थाना में दिए हैं आवेदन? दिए हैं, हाँ दिए हैं। थाना में दिए हैं? हाँ जी। तो अभी कहाँ आप जा रहे हैं? समस्तीपुर जा रहे हैं। तो रेफर कर दिया? हाँ जी, रेफर कर दिया, सीटी स्कैन वगैरह। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? ललन कुमार झा। ललन कुमार झा। जब खेत में हल्ला वगैरह हो रहा था घर पे, तो हमें लगा जो झगड़ा वगैरह हो रहा है तो बचाने के लिए ये खेत में, लेकिन वहाँ लगभग चार आदमी पहले से, तो उस समय मारपीट नहीं थी, लेकिन बाद में सब सात आदमी आठ आदमी वहाँ पर जीता, उसके घर फैमिली में सब थे, तब उसने कोदा और रॉड था, दो हाथ का रॉड था, उससे मारपीट किया है पूरा। और जब हम लोग बेहोश हो चुके, कोई देखने वाला वहाँ नहीं था, बाकी गाँव वाला था, लेकिन और भाग गया, जब देखा धीर आ गया तो भाग गया। उसमें गोविंद कुमार झा वो रॉड से मारा है, यहाँ राजीव कुमार झा जिसने कोदाल चलाया, ये पूरा फटा हुआ कोदाल से चला। उसके बाद दीपक कुमार झा वो भी कोदाल लेके था खेत में, वो भी चला। हम लोग ये बचाने के लिए, यदि झगड़ा हुआ होगा तो बचा लेंगे, हमारे पास कुछ नहीं था। उसके बाद सब कुछ था, उन्होंने मार कर अभी हॉस्पिटल में देखा है, तो सर ने डॉक्टर साहब ने बोला है कि हो सकता है यहाँ से टी स्कैन वगैरह करने के लिए रेफर किया समझते, क्योंकि कॉलेज में तो सिटी स्कैन कराइए, हो सकता है वो हार्ट चोट हो अंदर से। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार झा। चंदन कुमार झा। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और देखते रहे HBN न्यूज।